अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताश शाहिद। आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 3 को देख रहे हैं इंटीग्रेशन के, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। टाइप 2 को हम समझ रहे थे, उसी की हम बात कर रहे हैं। जब भी बच्चों दो वैल्यूज प्रोडक्ट में आ जाएं तो हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो बेस हमारे पास क्या है बेटा, जहाँ पावर लगी हुई है वो जो पूरी वैल्यू है वो हमारे पास बेस है। अब बेस का डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करते हैं जरा, इस पूरी वैल्यू को जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट ऊपर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 6x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और 5 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0। मतलब हमारे पास जो डेरिवेटिव है, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो बच्चों हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आया है बेस का, वो 4 + 6x + 6x² + 4x³ आया है। मतलब हमारे पास डेरिवेटिव ये आया है, ये डेरिवेटिव है हमारे पास। ये डेरिवेटिव किसका है, ये बेस का डेरिवेटिव है। जब भी बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमें करना क्या है, बहुत आसान काम है, इसको इंटीग्रेट करना। हमें जो बेस है हम उसको लिख देंगे, डेरिवेटिव को हम नहीं लिखेंगे। मैं इसको यहां डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं। करना क्या है भाई, आपने डेरिवेटिव को छोड़ दिया, डेरिवेटिव अगले स्टेप में नहीं लिखा जाएगा। क्रॉस लगाने का मतलब इसको हम अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे, वैसे आपको क्रॉस नहीं लगाना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है भाई, इसकी पावर क्या है, 2/5। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एड 1 इन दी पावर 2/5 में हम 1 ऐड कराएंगे तो हमारे पास 7/5, और ये हो जाएगा भाई डिवाइड बाय दी पावर, मतलब 7/5। और इस पूरी वैल्यू के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी 1 - 1। होगा क्या कि जो 7/5 है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि लिमिट का कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं होता, तो हम 5/7 को बाहर निकाल देंगे। और हमें इंटीग्रेट करना है इस पूरी वैल्यू को, हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, हमें इस पे लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई कैसे करनी है, आइए जरा देख लेते हैं। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 5/7। करना क्या है भाई, इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे अपर लिमिट को। अपर लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे भाई, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां हम रख देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 2 * 1 की पावर 3 + 3 * 1 की पावर 2 + 4 * 1 + 5। और हमारे पास इस पूरी वैल्यू के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो लगी हुई है 7/5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात हो रही है, मतलब इस इन तमाम वैल्यूज में हम -1 रख देंगे, तो एक्स की पावर मतलब 4 थी तो -1 की पावर 4 हो गया। 2x³ लिखा हुआ है तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x की जगह -1 + 5, और इसकी पावर 7/5। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 5 मतलब इंटीग्रेट सॉरी, हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व हमें इसको कैसे करना है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4, और ये प्लस का 5, होल पावर आ जाएगी हमारे पास 7/5। फिर उसके बाद माइनस की साइन, ये आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 4, ये हो जाएगा 1, ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास तो -2, ये सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का 3। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5, होल पावर 7/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं सवाल की। इस सवाल में दो वैल्यूज तो प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन होल पावर 1 नहीं है, और जो होल पावर लगी हुई है वो पावर सॉल्व भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस सवाल में होल पावर हमारे पास लगी हुई है 1/2। तो करना क्या है कि जब भी हमारे पास होल पावर 1 ना हो
तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो हमारे पास बेस क्या है, ये पूरी वैल्यू। अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, हमारे पास बेस है 2x+5। तो हम इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो 2+0 आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल में हमारे पास जो बेस का डेरिवेटिव है 2, वो बाहर नहीं लिखा हुआ। तो कोई मसला नहीं है बेटा, अगर 2 नहीं लिखा हुआ तो नंबर तो हम बहुत आसानी से ला सकते हैं, हम नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। हमने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, 2 को डिवाइड करा दिया, 2x+5 होल पावर 1/2 dx। होगा क्या, अब यहाँ पे कि ये जो नीचे वाला 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें नीचे वाले 2 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वाले 2 की जरूरत है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2 × 2x+5 की पावर 1/2 dx। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर बेसिकली क्या है, ये नंबर डेरिवेटिव है बेस का। जो भी बेटा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हम अगले स्टेप में नहीं लिखते, डेरिवेटिव को हम छोड़ देंगे और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो पावर है इसमें 1 ऐड कराएंगे, 1/2 में 1 ऐड कराया तो 3/2, डिवाइड करा देंगे पावर से, मतलब 3/2 से, और ये प्लस का सी हो गया। 3/2 को कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2/, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2x+5 होल पावर 3/2 + c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/3 2x+5 की पावर 3/2 + c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम अगले सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल में अब क्या हो रहा है भाई, सवाल में हमारे पास जो होल पावर है वो 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करें, अब ये बात हमें समझ नहीं आ रही। तो जब भी बेटा पावर हमारे पास 1 के अलावा कोई नंबर लिखी हुई है तो हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि बेस का डेरिवेटिव है या नहीं है, मतलब बेस का डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। तो हमारे पास बेस ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 × 1 = 3, 4 का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 3। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्योंकि आ गया है, हमें पता चल गया है कि बेस का जो डेरिवेटिव है वो 3 है, लेकिन सवाल में कहीं पे बाहर 3 नहीं लिखा हुआ। अब हमें बाहर 3 चाहिए तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, 1/3 बाहर लिख दिया, 1/3 का मतलब डिवाइड कराया 3 से, मल्टीप्लाई कराया 3 से। अंदर हमने 3 इसलिए लिखा क्योंकि हमें सिर्फ 3 की जरूरत है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड कराना लाजमी है जैसा कि हमें पता ही है। तो ये जो अब 3 दिख रहा है आपको, ये 3 क्या है बेसिकली, ये 3 जो है ये डेरिवेटिव है, इसलिए डी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा, 1/3 एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव को हम नहीं लिखेंगे, डेरिवेटिव को हम भूल जाएंगे, हम सोचेंगे ही नहीं कि डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखेंगे, 3x+4 की पावर 29 है, एड 1 इन दी पावर, पावर में 1 ऐड कराएंगे तो 30, डिवाइड करा देंगे पावर से, मतलब 30 से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/3 3x+4 की पावर 30 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 30 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ज़्यादा बेटर है, तो 30 नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे 90 + c आ जाएगा और ये हमारा आंसर कहलाएगा।